जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए आप मंत्री भी है, हमारे नगर विधायक भी हैं और यहाँ हमारे कई सारी दुकानें हैं जिसका उद्घाटन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। उनके कम कर कमलों के द्वारा ही यहाँ पे हम लोग दुकान व्यवसाय कर रहे हैं और यहाँ तीन पीढ़ियों से कई ऐसे दुकानदार हैं जिनकी तीन पीढ़ियाँ चार पीढ़ियाँ यहीं गुजर गई हैं। तो अगर हम लोगों को उजाड़ दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग जो माननीय योगी आदित्यनाथ से यही गुजारिश है कि 20 मीटर इसको किया जाए और वो हम लोगों के मंत्री भी हैं, पहले भी हम लोगों के योगी जी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हम लोग उनसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों की रोजी को ना छीना जाए और हम लोगों को यहाँ रहने दिया जाए। हम लोग विकास के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो अपना विकास करें। पूर्ण विश्वास है, हमारी बातों को सुनेंगे। 16.5 मीटर हो गया, यहाँ 20 मीटर देने में क्या दिक्कत है? उर्दू में 16.5 मीटर हो गया, बक्सीपुर में 16.5 मीटर हो गया, यहाँ 20 मीटर देने में दिक्कत क्या है? कितनी दुकानें आप लोगों की होंगी? 700 दुकानें, 400 मकाने, 1100 से ऊपर दुकानें हैं, 700-800 मकाने टूटेंगे अगर इसके तक में आएंगे तो। क्या चाहते हम लोग? यही चाहते हैं कि अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और हमें ये पूरा भरोसा है कि अगर मुख्यमंत्री तक हमारी बात जाएगी तो सुनेंगे, क्योंकि वो विगत कई दशकों से यहाँ रहे हैं, वो सब जान रहे हैं यहाँ का परिवेश कैसा है। केवल अधिकारी मात्र के गुमराह करने से उन्होंने जनता को भी गुमराह किया कि हाँ सुंदरीकरण करके 2 लेन बनाएंगे मौखिक रूप से आश्वासन देके। साथ ही हमको लग रहा है कि प्रशासन द्वारा ये जो गुमराह किया जा रहा है इस वजह से एक भ्रामकता फैली है, उसी के चलते हम जाएंगे मुख्यमंत्री जी। सब जौते के तहत वो 4 लाइन बना जेल के पीछे कि इस बीच के बाजार को छोड़ देंगे, लेकिन 20 मीटर करेंगे इसको भी। तो आज 20 मीटर कहे तो हम लोग भी कहते हो किसी का 2 मीटर टूट रहा, किसी का 1 मीटर टूट रहा, किसी आधा मीटर मान दिया गया। अब परसों से कह रहे हैं 28 मीटर, 5-28.5 मीटर टूटे, जबकि इसी के बाद एचएन सिंह से असुरन तक आप चेक कर लें सिर्फ 23.5 मीटर का सड़क बना हुआ है और इधर जाइए 24 मीटर की सड़क बना, तो यहाँ 28.5 मीटर की क्या जरूरत है? और खाली असुरन से लेकर इसकी पदरी तक ही बनना है। जब इसके बाईपास आप बना लिए, इसका इन्होंने कहा है कि 1 अरब रुपया हम देंगे मुआवजा, 1 अरब मुआवजा भी बच जाएगा सरकार का, 20 मीटर चौड़ी सड़क हो जाएगी, फिर हम हमारे साथ क्यों? और जो 20 मीटर आपने कहा है अतिक्रमण हटा लिया जाएगा और 20 मीटर की सड़क बना ली जाएगी, हम कोई दिक्कत नहीं होगी, घर परिवार हर दुकान वाला बच जाएगा, हम बहुत ज्यादा बर्बाद होंगे, प्रभावित होंगे इससे। तो ये सरकार से गुजारिश है कि आप अतिक्रमण रहिए और 20 मीटर की चौड़ी सड़क बनाइए, वो हम लोग की सुविधा के लिए हो गया।